आज हम चला रहे हैं लैम्बोर्गिनी की सबसे लेटेस्ट और उनकी सुपरस्टार गाड़ी, वो है उरुस। अगर आप सुपर एसयूवी द परफॉर्मेंस एसयूवी के बारे में सोचते हैं, उरुस हमेशा आपके दिमाग में आता है। इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर एसयूवीज, और इस सेगमेंट को इस गाड़ी ने ही खड़ा किया है। लैम्बोर्गिनी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाड़ी है, और रिसेंटली उन्होंने लॉन्च की थी परफॉर्मांटे। इसका मतलब है लेस वेट, परफॉर्मेंस ज़्यादा। तो ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा अग्रेसिव स्टाइलिंग, ज़्यादा सब कुछ, परफॉर्मेंस में भी, वेट सेविंग में भी, ओवरऑल एक्सपीरियंस में भी। तो उरुस परफॉर्मांटे चलाने में कैसी है, आज हम चला रहे हैं दिल्ली की सड़कों में, और आपको बताते हैं लैम्बोर्गिनी कैसी चलती है इंडियन रोड्स पे। पहली बात, उरुस परफॉर्मांटे होगी उनकी सबसे हार्डकोर गाड़ी, ट्रैक ओरिएंटेड है, मगर दिल्ली के सड़कों में या कहीं भी आप ले जाओ आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यह है एसयूवी ओवरऑल। उरुस परफॉर्मांटे में आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम मिलता है, बट इट्स स्टिल वेरी गुड। इनफैक्ट इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी सरप्राइजिंगली कंप्लायंट है। प्रॉपर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर और एक सेटअप मिलता है इस गाड़ी में। बड़ी आपको 23 इंच व्हील्स मिलता है, मगर उसके साथ साथ ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी में ये गाड़ी सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है। ये एक एसयूवी है, तो आप जब स्पीड ब्रेकर में जाते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको सोचना नहीं पड़ता स्पीड ब्रेकर आ रहा है, जैसे आप नॉर्मली सुपर कार में चलाते हैं। ये एक ऐसी गाड़ी है जो आप इसे खुल के आराम से चला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। इसका परफॉर्मेंस है दूसरे लेवल में, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलता है। 0 to 100 इज जस्ट 3.3 seconds। इसका जो V8 है ट्विन टर्बो, उसमें आपको 16 BHP ज़्यादा मिलता है, तो ओवरऑल पावर फिगर और बढ़ गया है। उसके साथ साथ इंजन को भी ट्यून किया गया है ज़्यादा परफॉर्मेंस पे। और एक चीज़, यहाँ पे आपको टाइटेनियम एग्जॉस्ट मिलता है, तो जब आप एक्सेलरेटर देते हैं आपको एक बहुत ही फैंटास्टिक एग्जॉस्ट नोट मिलता है। इनफैक्ट इसका परफॉर्मेंस और जो एक फीलिंग आती है, ऐसा लग रहा है कि आप, मैं सुपर कार चला रहा हूँ बट मैं थोड़ा ऊपर बैठा हूँ। कुछ और चीज़ अगर बताओ, इसका स्टीयरिंग काफ़ी ट्यून किया गया डायरेक्ट शार्पर एक फीडबैक के लिए। और सबसे बड़ा अगर आप परफॉर्मांटे में जो चेंज देखेंगे वो है चलाने में, यहाँ पे आपको स्टील स्प्रिंग्स मिलता है। स्टैंडर्ड उरुस में आपको एयर सस्पेंशन मिलता था, इसमें आपको स्टील स्प्रिंग्स मिलता है। उसके साथ साथ हैंडलिंग ज़्यादा टाइट है, इट्स इवन मोर ऑफ अ सुपर कार ना। उरुस हमेशा रही, इट्स बीन अ वेरी फन टू ड्राइव गाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जो एसयूवी कंबाइन करते अलॉन्ग विद सुपर कार परफॉर्मेंस। मगर परफॉर्मांटे के साथ साथ लैम्बोर्गिनी के बारे में जो लोग सोचते हैं उसके ज़्यादा करीब है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ लैम्बोर्गिनी की जो DNA है, उरुस परफॉर्मांटे इज क्लोजर टू इट। चलाने में बहुत ही मज़ेदार है, इसका टाइटेनियम एग्जॉस्ट इज साउंडिंग रियली नाइस, परफॉर्मेंस बहुत ही, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा एक्सेलरेटर देंगे इट विल फ्लाई अवे। और ये प्रैक्टिकल गाड़ी भी है, आप इसे दिल्ली के सड़कों में एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी गाड़ी नहीं है जो सिर्फ आप संडे चलाए या सोच समझ के ले जाए कि यार कहाँ ले जाओ, अगर गाड़ी लग तो नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। एक ऐसी गाड़ी है आप हर रोज़ खुल के चला सकते हैं, बट आपको सुपर कार वाली परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके साथ साथ हैंडलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, यहाँ पे थोड़ा रियर बायस ज़्यादा है, थोड़ा शार्पर हैंडलिंग है, और इसके जो टायर्स है उसमें ही ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो सब कुछ बनाया गया ताकि आपको एक ज़्यादा ट्रैक ओरिएंटेड सुपर कार आपको मिले एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल क्या आपको उरुस परफॉर्मांटे लेनी चाहिए? वेल, ये गाड़ी की कीमत है 4.2 करोड़, तो ऑब्वियसली जो लेगा उनको दे वॉन्ट द बेस्ट, और परफॉर्मेंस एसयूवीज में दिस इज़ द बेस्ट। मगर जो क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में पूछा था, दिल्ली की सड़कों में कैन यू ड्राइव अ लैम्बोर्गिनी एवरी डे, वेल हम चला रहे हैं, मैंने काफ़ी देर तक चलाया यहाँ पे। और अगर आप गड्ढों में जाएंगे या कहीं भी ले जाएंगे, आप इसे लेके जा सकते हैं, दैट इज़ नो इशू। राइड क्वालिटी या ओवरऑल सस्पेंशन फर्म है मगर अनकम्फर्टेबल नहीं है, और आप इसे प्रैक्टिकल इंजॉय कर सकते हैं। इंजन में इसका साउंड ज़्यादा है, सेंसेशन ज़्यादा है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस में ज़्यादा एक ट्रैक ओरिएंटेड सुपरकार मिलता है, मगर एक एसयूवी के डिज़ाइन में। तो चलाने में उरुस परफॉर्मांटे इज़ वेरी स्पेशल, इनफैक्ट परफॉर्मेंस एसयूवीज में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चलाने में, मेरे ख्याल से यही है।